जिंदा कौमें होती है ना, वो अपनी माजी को देखती हैं, गलतियां होती हैं तस्लीम करती हैं। यकीनन जो शख्स मौजूद है उन्होंने तो नहीं की होती, मगर फिर भी कम से कम कुछ तो होता है, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। बस बस छोड़ो, आगे बढ़ो, मिट्टी पाओ बस, ये एक और इसी से तकवियत मिलती है दूसरों को। सुप्रीम कोर्ट का सहाफियों के खिलाफ FIA नोटिस, फौरी वापस लेने का हुक्म। तनकीद करना हर शहरी और सहाफ़ी का हक़ है। FIA तनकीद की बिना पर कार्रवाई न करे, सहाफ़ियों को हिरासत करने से मुतालिक स्कूल नोटिस की बराह रास्त समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, मेरा मजाक उड़ाएं लेकिन अदलिया का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। जिंदा कौमी माजी से सीखती हैं और हम कहते हैं बस आगे बढ़ो, मट्टी पाओ। नाज़िमाबाद में पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमला हुआ, जिसकी फुटेज भी मौजूद है। 3 रोज पहले हमारे बैनर्स जला दिए गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद मनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, MPM को इसकी बदमाशी खत्म होने पर तकलीफ है, ये शहर में दोबारा दहशत फैलाना चाहते हैं। मुसवा कमाल शहर का अम तबाह कर रहा है। हाउस जलाने की केस में जमानत मिलने के बाद PTI रहनुमा सनम जावेद दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार। PTI रहनुमा को जेल से थाना शादमान मुंतकिल किया जाएगा। खातून PTI रहनुमा NA 119 लाहौर में मरियम नवाज के मद्दे मुकाबिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से वजीर आजम के खिलाफ अदम इत्माद की तहरीक मुस्तरद करने के खिलाफ केस की समाअत, मानी PTI की जानिब से दरख्वास्त वापस ले ली गई। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग केस के फैसले के खिलाफ साबिक स्पीकर असद कैसर की नजरसानी दरख्वास्त खारिज। वक्त का मुकाबला सख्त, मुल्क भर में इंतखाबी गहमा गहमी। नून लीग ने राजनपुर में मैदान सजा लिया, शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। नवाज शरीफ अपने हल्के NA 130 लाहौर में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में चुनो नई सोच के उन्वान से होने वाले तुलबा के सेशन में शरीक होंगे। निगरा हुकूमत की मुद्दत इख्तिताम के करीब, निगरा वजीर आजम अनवारुल्लाह काकर ने वफाकी वुज़रा सरकारी हुकाम के तमाम बैरूनी दौरे मनसूख कर दिए। सरकारी हुकाम नई हुकूमत के क्याम बैरून मुल्क नहीं जा सकते। बैलेट पेपर्स की छपाई, दूर दराज अजला में इंतखाबी सामान की तरसील का आगाज। ज़राए के मुताबिक सामान की तरसील 5 फरवरी तक मुकम्मल कर ली जाएगी। फौजी अदालतों के केस की समाप्त करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। नए बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंगी 800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 63,000 की नफसियाती हद खो बैठा। शराय सूद 22% की सतह पर बरकरार रहेगी या नहीं, स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। माहिरीन के मुताबिक अफरात जर में कमी न आने के पेश नजर शराय सूद बरकरार रखी जा सकती है। निगरान हुकूमत जाते आते अवाम पर पेट्रोल पंप गिराने के लिए तैयार। 1 फरवरी से पेट्रोल की 3 लीटर कीमत 7.85 रुपये तक महंगी होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2.10 रुपये तक इजाफा मुतवक्के। वजारत खजाना निगरान वजीर आजम से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगी। कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, तवील खुश्क साली का खात्मा। लोअर दीर, गजर और जुनूबी वजीस्तान में बर्फबारी, मनी में वक्फे वक्फे से हल्की बर्फबारी और जालाबारी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।
सर्दी की लहर के बाइस नमूनिया की वजह बेकाबू। पंजाब में नमूनिया से मजीद 3 बच्चे इंतकाल कर गए। सूबे में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 801 नए केसेज रिपोर्ट किए।